हमारी, हमारी जान, जान जाने। जाने। हम, बचें हम बचेंगे, बचेंगे नहीं।, नहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है मुख्तार अंसारी पर देश भर के आठ राज्यों में हत्या लूट डकैती अपहरण रंगदारी गैंगस्टर एनएसए जैसे पैंसठ मामले दर्ज थे कुछ लोगों को वो समय याद होगा जब मुख्तार अंसारी एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ से अपनी मूछो को ताव देकर खुली जीप में निकलता था उस समय पुलिस भी मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी तो आप सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा लेकिन आज हम आपको मुख्तार अंसारी की मौत पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी का बयान सुनवाएंगे जिसने इस खूंखार डॉन को खुलेआम चुनौती दी थी मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाने के लिए ये पुलिस अधिकारी उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार से भी भिड़ गया था लेकिन उसके बाद इस पुलिस अधिकारी को खून के आंसू रुलाए गए मगर सीएम योगी जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस पुलिस अधिकारी की जिंदगी ही पलट कर रख दी जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो शैलेंद्र कुमार सिंह है शैलेंद्र कुमार सिंह ने 2004 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया था शैलेंद्र कुमार सिंह को पता चला था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी ने लाइट मशीन गन खरीदी थी उस समय की राज्य सरकार शैलेंद्र सिंह के इस कदम से नाराज हो गई और उन पर पोटा वापस लेने का दबाव बनाया गया शैलेंद्र कुमार सिंह ने झुकने से इनकार कर दिया और यूपी पुलिस से इस्तीफा दे दिया लेकिन इसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह का हरासमेंट शुरू हो गया उनके खिलाफ ही कुछ मामलों में एफ दर्ज करवा दी गई शैलेंद्र कुमार सिंह को उनके साथ ही जेल ले गए लेकिन सीएम योगी ने शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए अब आप मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्हीं शैलेंद्र कुमार सिंह का बयान सुनिए 2004 की है जनवरी की है आज से 20 साल पहले की है और मुख्तार अंसारी का जो भयका साम्राज्य था वो चरम पे था और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है किसी की हिम्मत नहीं उसके प्रति कुछ कुछ बोल दे कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है न उसके पहले कभी हुई न 20 साल हो गया अब तक हुई है और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था तो मैंने स्टैंड लिया उसके पैसे कि नहीं ये गलत है और ये हो इसको जेल जाना होगा लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया अधिकारियों को प्रेशर बनाया जब कोई नहीं सुना तो आईजी रेंज आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर डीआईजी रेंज का ट्रांसफर एस एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा पंद्रह दिन बाद ही लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं हम लोग चुन के आते हैं सेलेक्ट होते हैं यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट है, सर्वेंट है सर्वेंट हैं और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं तो, तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे दशकों तक दो दो दशक तक नहीं आए अब आ रहे हैं तीन तीन दशक के बाद स्थिति तो बदली है नो डाउट और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है नहीं स्वाभाविक है अगर शासन प्रशासन हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे हम तो अपने दम पर रिकवर किया मैंने अपनी टीम के साथ तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है हमको तो हम ड्यूटी है मेरी हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पर हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है हमको आम सामनेशन दे रखा है तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता ये हकीकत है मैंने एज ए डिप्टी एस बहुत छोटा पद था बड़ा पद नहीं था लेकिन जहाँ भी रहता था तीन से चार थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे उसमें किसी की हिम्मत नहीं है मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है हम बचेंगे तो नहीं आपकी कार्रवाई के बाद फिर आप पे दबाव बनाया गया दबाव तो नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊँ कि हो क्या रहा है शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है तो मैं बाहर आके इस चीज को रखा जान जोखिम पर अपने डाला परिवार के जान जोखिम में डाला स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकाली अपने यहाँ से किराए का मकान नहीं मिलता था रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहाँ से खाली करना पड़ता था तो ये सब चीज़ें देखी लेकिन अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलना है हाँ ये है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है बीस साल का समय लगा लेकिन वो अपनी मौत मरा डर जो डर दूसरों पर कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई